इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 3 श्यामाचरण दुबे उपयुक्त कर्ता की संस्कृति भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं, जहां पर छोड़े थे वहीं से शुरू करते हैं। संदर्भ प्रदर्शन की भीड़ तो चमकित कर देने वाला है, एकदम चंदा चौंध, ये चमक धमक का जो है रूप, जैसे मैं आप समझ लो कि अभी जो ब्रांड चल रहा है सौंदर्य, अपने सुंदरता को दिखाना। यहां से पढ़े थे यहां तक। हर महीने एक नया नया उत्पादन जुड़ते आ रहा है, जैसे साबुन ही देखिए, कौन से साबुन कितने प्रकार के नहीं है। आज साबुन बाजार में करीबन 300 प्रकार का साबुन है। साबुन मिलता है 5 रुपए से लेकर 5 करोड़ तक, उतना महंगा साबुन मिलता है। ऐसे हम लोग लगाते हैं 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपये वाला, और जो ज्यादा पैसा कमाते हैं वो लगाते हैं, बेसी मिडिल क्लास लगा सकता है 100 रुपये का, ठीक है, 100 रुपये का साबुन लगा सकता है, और उससे ऊपर लगाते हैं जो लाखों कमाते हैं, ठीक है, उससे भी ऊपर लगाते हैं 5-5 लाख रुपए के साबुन लो, जो हीरो हीरोइन लोग होता है, रियल हीरो नहीं, रील्स हीरो, ये लोग लगाते हैं। एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज, एक में हल्की खुशबू है तो दूसरे में तेज, एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रख सकता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी सुरक्षा करता है। जैसे मैं देख लो, एक साबुन है जो आपको खुशबू देगा, खाली खुशबू देगा, डॉब लगा लो, लड़की का जितना साबुन लगा लो, हम लोग भी कभी कभी लगा लेते हैं क्योंकि हम लोग भी परिवार वाले आदमी हैं। एक दिन भर शरीर को तरोताजा रखने के लिए है, तरोताजा रखना है तो निको साबुन लगाओ, तरोताजा रहोगे हमेशा। दूसरा पसीना रोकने वाला, मुंह नहीं लगाता, हमको पसीना ही नहीं होता है। तीसरा है टिटोल, जो जर्म रोकने वाला मतलब साबुन है, उसके बाद मैं नहीं जानता, सिंथॉल भी है वगैरह वगैरह, बहुत सारा साबुन है। यह लीजिए सीने स्टार्स के संदर्भ का रहस्य। अब देखते हैं सीने स्टार्स के संदर्भ का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन, 5-स्टार साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। पवित्र रखना चाहते हैं तो शुद्ध गंगा जल में बनी हुई साबुन लीजिए। अरे भैया, शुद्ध गंगा जल कहाँ से आता है? गंगोत्री से आता है, और गंगोत्री से पानी लाना इतना आसान नहीं होता है, हेकड़ी निकल जाएगी वहां से पानी लाने में। चमड़ी को नरम रखने के लिए यह ले सकते हैं। एक बात बताता हूं लेकिन अभी नहीं बताएंगे, कभी भी लाइफ बॉय साबुन मत लगाना, सबसे घटिया साबुन वही है, पर आपके संदर्भ में निखार ला देगा। जो शरीर को एकदम चमड़ी को साफ करने वाला साबुन है, हाँ लगा सकते हो, जो काला वाला है उसको लगाने में अच्छा है, काला हो, जिसका रंग सांवला हो, काला हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप काले हो, तो काले रंग वाले लोग लगाते हैं, और उससे भी अच्छा दूसरा साबुन मैं बताता लेकिन अभी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं। संभ्रात महिलाएं के ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार के संदर्भ सामग्री होने तो मामूली बात है, और जो प्रदर्शन करने वाली महिलाएं होती है उनके टेबल पर 30-30 हजार का संदर्भ सामग्री सामान रहना एकदम आसान बात है, मामूली बात है। वो पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, ठीक है, वहां से परफ्यूम ही आता है, इतनी ही और खर्च हो जाए ये प्रतिष्ठित चिन्ह है। मतलब इतना खर्च करके हम समझते हैं कि अरे मैं तो साफ बन गया, मैं तो अमीर है रे बाबा। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं, अपनी हैसियत जताते हैं दूसरों के सामने, ठीक है, आपकी हैसियत दिखती है कि आप कितने महंगे परफ्यूम मारे हैं, कौन कपड़ा पहनते हैं। अरे हम तो फॉग, जिसका नाम बहुत ज्यादा, उसको जूता में मारते हैं, कहे कि जूता महके नहीं, इसलिए उसका इस्तेमाल जूता मारने के लिए करते हैं, जूता को अंदर से खुशबूदार बनाने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा विदेशी जूता महकता है। पुरुष भी इस दौर में पीछे नहीं है, वह भी कम नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, अब है आफ्टर सेव और कोलोन बाद में आया। देखो, पहले तेल और साबुन से काम चलता था, अब तो भैया लोग सेव करते हैं, नहाने के बाद भी सेव करते हैं, अब कोलोन भी, उसके वजह से फिटकिरी मारेंगे अलग बात है, उसके वजह से और सब में मुंह पर मेकअप पोतन लिपा लिपी हम भी करते थे बचपन में, 9th-10th में थे तब, अब छोड़ दिए। 9th में थे तो कम करते थे, 10th में थे तो भी कम करते थे,
इलेवेंथ में गए तो एक स्पोकन क्लास के लिए गए थे, तो वहां पर इतना ना लड़कियां परफ्यूम मारकर आती थी, हम भी सोचे कि महक से बचना है तो खुद भी महको, इस बदबू से बचना है तो अपने शरीर में भी वो बदबू ले लो, आदत हो जाएगी। तो एक साल चला, उसके बाद से अभी मन नहीं करता, एलर्जी हो जाता है, नहीं करते हैं, लगाते ही नहीं। उसके बाद अब तो इस सूची में दर्जनों दर्जन चीजें और जुड़ गई है। अब देखो, शेविंग क्रीम 1000 रुपए की, फेयर क्रीम मर्दों के लिए 1000 प्रकार की, ठीक है, अलग अलग प्रकार की है, साबुन अलग अलग। हमारे क्लास में एक संजीव नाम का लड़का था, वो फेयर लवली लगाता था, फेयर लवली या पाउडर मारता था चमकने के लिए, तो उनका अलग स्वैग था। उनको छोड़िए, छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। वस्तु और परिधान वस्तु से बताते हैं, ठीक है। सामान सब चीज को चाहिए चमकदार, चमकना होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, वो टेस्टी होना चाहिए, कुछ भी खरीदे। परिधान मतलब कपड़ा, कपड़ा एकदम स्टाइलिश होना चाहिए, भले वो फटा चिता क्यों ना हो। जो गरीब गरीब गुरबा जो पहनता है कपड़ा फट जाता है, वैसे कपड़ा ये लोग पहनते हैं, क्या है, स्टाइल है। पूरा ऊपर तकले फाड़ रखे हैं, प्राइवेट पार्ट तकले फाड़ रखे हैं, इधर से पूरा ब्रेस्ट चेस्ट सब फाड़ रखे हैं, स्टाइल है भैया, ये दुनिया है। आप इस जगह से बचो, आप इस बनावटी खेल से बचोगे तो ही जिंदगी में एक सहज तौर पर आप जिंदगी को जी पाओगे, नहीं तो आप भी कीड़े मकोड़ों के जैसा हाल हो जाएगा। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, जगह जगह ब्यूटी पार्लर सैलून सब खुल गए, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ रहे हैं, नया नया दुकान खुला है, नया नया परिधान आ रहा है। हम आज भी पहनते हैं फॉर्मल ड्रेस जो हम क्लास लाइफ में पहना करते थे, चाहे जो ऑफिस में लोग पहनते हैं, एक प्लेन पैंट, प्लेन शॉर्ट, प्लेन जूता, प्लेन मोजा, उसके बाद से हाथ में एक घड़ी होता है, स्मार्ट घड़ी नहीं होता है, एक टाइटन का घड़ी है जो कांटे वाली है, वो घड़ी पहनते हैं। हाथ में कोई करा फरा नहीं, गले में कोई हार वगैरह कुछ नहीं पहनते हैं, क्योंकि हार वही पहनता है जो हरा होता है। मैं हारा ही नहीं हूं कभी, तो हार क्यों पहनूं। इसलिए मैं परफ्यूम नहीं लगाता, क्योंकि मैं रोज नहाता हूं, जो परफ्यूम लगाते हैं वो रोज नहीं नहाते हैं। इससे याद रखना कि जो परफ्यूम लगा का आया वो नहाया नहीं है। उसके बाद देखिए, ये ट्रेंडी है और महंगे भी, ये ट्रेंड में है मतलब बहुत ज्यादा बिक रहा है और महंगा भी है। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है, मतलब पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है और आगे बढ़ गई है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उसे यदि यही काम लेने हैं तो 400-500 में अच्छा घड़ी मिल जाता है। हाँ, 400-500 में अच्छा घड़ी मिल जाता है, लेकिन उसमें जल्दी ही उसका बैटरी डाउन हो जाता है, ये बात भी अलग है। लेकिन हम जो घड़ी पहनते हैं, मैं गलत नहीं बोलूंगा, दाम तो मैं बताना ही नहीं चाहता, मैं टाइटन का घड़ी पहनता हूँ, सिंपल सा पीले कलर का, गोल्डन कलर का होता है। आप मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं, आप इंद्रजीत स्टडी पॉइंट पर खोलोगे तो मेरा अधिकतर वीडियो में हाथ में गोल्डन कलर का आपको दिख जाएगा घड़ी मेरा। उसने यदि यही काम लेना है तो उससे यदि यही काम लेना है तो 400-500 ले लो, 400-500 में घड़ी कहन को पहन लो, टाइम तो देखना है। लेकिन हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से 1-1.5 लाख की घड़ी, कोई तो करोड़ों रुपए की घड़ी, मुकेश अंबानी के घर में 16-16 करोड़ का घड़ी पहन ले हैं सब। संगीत की समझ हो या नहीं हो, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूर होता है हर किसी के पास, भले ढंग से बजाने नहीं आता है लेकिन म्यूजिक सिस्टम होता है। हमारे पास भैया लैपटॉप है तो हम लैपटॉप चलाना जानते हैं पूरी अच्छी तरीके से, हाँ खोल कर बनाना नहीं जानते क्योंकि बार बार खोलते तो हमारा खराब हो जाता है, एक ही तो है मेरे पास। कोई बात नहीं, यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सके कोई बात नहीं, नहीं चलाते हो कोई बात नहीं, कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदी ही जाती है कंप्यूटर तो काम के लिए खरीदी ही जाती है, सब कोई जानते हैं। महज दिखावे के लिए भी खरीदने वाले की संख्या काफी कम नहीं है, काम के लिए तो खरीदा ही जाता है लेकिन दिखावे के लिए भी बहुत लोग खरीदने के लिए यहाँ पर हैं। हमें एक लैपटॉप की जरूरत थी, कभी एक फाइल देखना था शादी का, तो हमने एक पड़ोस में किसी से लैपटॉप मांगा, ठीक है, तो उन्होंने लैपटॉप नहीं दिया, जरूरी था नहीं मिला। पापा से बोले, पापा हमारे किए, चलो कोई बात नहीं, बुक करो अभी, लैपटॉप बुक करो अभी, मंगाओ। तो जस्ट 15 दिन के अंदर में नया लैपटॉप मेरा आया, लेकिन हम जताने के लिए जलाने के लिए नहीं खरीदे थे, अपने काम के लिए खरीदे थे।
क्योंकि काम के लिए हमें चाहिए था, नहीं मिला तो काम के लिए खरीद लिए, लेकिन कभी भी दिखावा नहीं किए हैं कि हमारे पास ये चीज है, घमंड नहीं है हमें इस बात की। खाने के लिए 5 सितार होटल, खाने के लिए लोग 5 स्टार होटल में जाते हैं, वहां तो अब विवाह भी होने लगे हैं, बीमार पड़ने पर 5 स्टार अस्पताल, 5 सितारा अस्पताल भी है अब वहां पर, जाओ वहां पर अच्छा इलाज करवाओ। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितार पब्लिक स्कूल, 5 स्टार पब्लिक स्कूल, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं हो सकता हुआ है। लेकिन भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई है, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले अपनी अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम का प्रबंध कर सकते हैं एक कीमत पर। आप मतलब मरने के बाद आपके शरीर का क्या होगा, आप पहले ही उसका कर सकते हैं, अंतिम संस्कार भी कर सकते हैं, खाली आप मरोगे आपको दफना दिया जाएगा। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, ये उनको बताना पड़ेगा। मन चाहे फूल होंगे, जो आप चाहोगे वो फूल होंगे, लेकिन जहां पर आपको गाड़ा जाएगा वहां पे आपका पूरा निकासी भी रहेगा। चाहे तो वहां फवारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी बजेगा वहां पे, ये सब शर्त मानना पड़ता है। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वो भारत में भी आ सकता है, जरूर आएगा। यहाँ पर भारत में भी एक लोग हैं जो करते हैं, बहुत लोग हैं। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वह हास्यास्पद क्यों ना हो, हंसने वाले क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर अनेक रूप हैं प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए कि हमारे पास इतना है। अरे मैं तो सांप बन गया। अरे सांप नहीं, तुम सांप बन गया, डस कर जाएगा कोई तेरे को, घबरा मत, नेवला आएगा तेरे को कुतर कर जाएगा। यह है एक छोटी सी झलक उपयोगकर्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं, और जो सामान्य लोग हैं उसे भी लालच के नजर से उसको देख लेते हैं, क्योंकि उनको तो पता नहीं है कि भैया वो हो क्या रहा है। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में, उनकी दृष्टि में एक बड़ा सा विज्ञापन के भाषा में यही है, राइट च्वाइस बेबी, और बड़ा सा विज्ञापन देख कर बोलते हैं यही है अपना राइट च्वाइस बेबी, आई हैव दिस च्वाइस, मुझे यही चाहिए, दिस इज माई च्वाइस, ऐसे लोग बोलते हैं ना। एक भोजपुरी में डायलॉग भी है, हमरा यह लड़की चाहिए माई रे, मोती जैसी दांत, पूर्ण सुरक्षित, और देखो यहां पर गुणों से भरपूर, एक के साथ एक फ्री, ले जाओ सुपर ऑफर, एक के साथ एक फ्री, बिस्किट सबसे घटिया बिस्किट ऑफर में निकाला जाता है, साबुन सबसे घटिया साबुन ऑफर में निकाला जाता है, पीने का पानी नॉर्मल पानी, नाले का पानी सबसे घटिया पानी आपको ऑफर में निकाला जाता है, वही आप खूब चाव से पीते हो जी। इधर गया, अब विषय भी गंभीर पक्ष की ओर आए, ठीक है। उस उपयोगकर्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है, अब ये सब भारत में क्यों आ रहा है इसको जानिए। जो जेल का फैशन था ना, कमर पैंट को नीचे पहनना चुत्तर के नीचे, आज वैसा फैशन हर लड़के लड़की में मिल जा रहा है। फैशन है भैया, कुछ भी चलेगा। भारत की संस्कृति इतनी अच्छी संस्कृति थी जिसको खराब कर रहे हैं आज के नौजवान। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, उपयोगकर्ता इस संस्कृति से जुड़ा रहा है, जितने भी उपयोगकर्ता हैं हर संस्कृति से जुड़े जाते हैं। आज सामंत बदल गए हैं, आज सामंत के मंत्री बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है, और मंत्रियों का दिमाग भी बदल गया है, वो भी घटिया सोचते हैं और समाज को भी घटिया बनाते हैं। हिंदी पढ़ा रहे हैं इसलिए हम एकदम तर्क दे रहे हैं जो सही है, गलत तर्क नहीं देते हैं। घटिया को घटिया बोलना कोई गलत बात नहीं होती है, लेकिन घटिया को अच्छा बोलना यह सबसे बड़ा गुनाह है। अपराध करना उससे भी बड़ा गुनाह है, तो जो अपराध सहता है, अपराध नहीं सहना चाहिए। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूलन हुआ है, परंपराएं बदले हैं, आस्थाओं का क्षरण हुआ है, आस्थाएं खत्म हुई है। करवा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक
उपनिवेश बन रहे हैं, और ये कड़वा सच है कि हम बौद्धिक सत्ता को प्राप्त कर रहे हैं, उसमें घुल रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन बौद्धिक दासता सबसे खराब बात होती है। हमारे बिहार में बौद्ध का संख्या ज्यादा था ना, क्या हुआ, एक अंग्रेज आया, मुसलमान नेता आया, मुसलमान राजा आया और पूरा तक्षशिला जलाकर खाक कर दिया, ठीक है। उसके बाद से आप ले लो नालंदा विश्वविद्यालय, उसको जलाकर खाक कर दिया। हमारा सारा पढ़ाई का जिम्मा नालंदा विश्वविद्यालय में था, करीबन 60 से 70 विषय हुआ करते थे, आज हम कितने विषय के बारे में जानते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 10 विषय के बारे में जानते हैं, वहां पर 60 विषय के बारे में पढ़ाया जाता था, लेकिन हम क्या जानेंगे, क्या पढ़ी है, उससे तो आपको कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि आप तो चमक धमक के पीछे जाओगे। अरे भैया बुक पढ़ के समझ में आ जाएगा तो टीचर को काहे को बुलाए को पढ़ाने के लिए, मत बुलाओ, ऑनलाइन माध्यम है, ऑनलाइन से पढ़ो, लेकिन हाँ उसके लिए आपको चटाक पढ़ना चाहिए, तभी आप पढ़ोगे, नहीं तो नहीं पढ़ सकते ना। बौद्ध धर्म छोड़ो, जिस धर्म में हो उसी धर्म की इज्जत करो, एकदम कट्टर बनो उस धर्म में। हम लोग सनातनी हैं तो सनातनी हैं, मुसलमान हैं तो मुसलमान हैं। सनातनी धर्म बोलता है कि अपने धर्म की उतनी ही इज्जत करो जितना दूसरी धर्म का भी करते हो। जब अपने धर्म की इज्जत नहीं करते हो तो ही दूसरे धर्म की इज्जत तुम नहीं करते हो। मुसलमान धर्म भी यही बोलता है कि तुम अपने धर्म के इज्जत से ज्यादा इज्जत दूसरे के धर्म को करो, यही नीति है, यही नियति है, लेकिन ऐसा मानेगा कौन, सब बेवकूफों की दुनिया है। हमारी नई संस्कृति अनुसरण की संस्कृति है, हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं, हम झूठ के झूठ में घुलते जा रहे हैं, झूठ को अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा के आधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छदम छदम आधुनिकता की तरफ जाते रहे हैं। मतलब प्रतिष्ठा किसमें थी, परिवार को एक साथ रखना, परिवार में एक साथ रहना, आज प्रतिष्ठा प्रतिस्पर्धा के हम दौर में कहां जा रहे हैं, परिवार परिवार अलग हो जा रहा है, भाई भाई अलग हो जा रहे हैं, बाप बेटा अलग हो जा रहा है। आज के समय में तो पति पत्नी साथ नहीं रह रहे हैं, भाई बहन साथ नहीं रह रहे हैं। पहले का जमाना था कि एक घर में एक रूम में भाई बहन माँ बाप सब सो जाते थे, आज हर किसी के लिए अलग अलग घर चाहिए। क्यों जमाना क्यों बदल रहे हो भैया, चमक धमक में क्यों जा रहे हो, अलग अलग क्यों जाना क्यों रहना। हम आज भी बेड पर नहीं सोते हैं, आपको बता देते हैं, आज भी हम बेड पर नहीं सोते हैं। हमारा जहाँ पर हमारा लाइब्रेरी है, जहाँ पर हम पढ़ते हैं, मेरा स्टडी रूम है, उसी में एकदम लेवा बिछाते हैं, चादर बिछाते हैं, उस पर सोते हैं, बस मन नहीं करता ना अब सोने का, क्योंकि साधुपन का भाव जब तक आपके में आएगा नहीं तब तक दूसरे को सिखा कुछ नहीं सकते हो। गिरफ्त में आते जा रहे हैं हर लोग, नए नए चमक दमक के, संस्कृति के नियंत्रक शक्तियों के छिन्न होते जा रहे हैं, जो हमारे संस्कृति के निरंतरक शक्ति जो है उसको खत्म करते जा रहे हैं। इसका कारण है दिग्भ्रमित हो जाना, मतलब अपने मार्ग से भटक जाना, अपने मार्ग से हम भटक जा रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है, हमारा जो समाज है वही रास्ते से भटकता जा रहा है। तो जो नया बच्चा पैदा हो रहा है वो काहे नहीं भटके, समाज भटक रहा है तो वो भी उसी रास्ते में जाएगा ना, क्योंकि उसको बताने वाला कौन है कि तुम बेटा सही रास्ते में जाओ, जो बताता है उसको तो आप गाली देते हो। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं, हमें सम्मोहन की शक्ति है, हम उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। जो भी प्रचार दिख रहे हैं, मानसिकता बदलने वाले लोग हैं, उनके पास सम्मोहन शक्ति भी है और वशीकरण शक्ति भी है। कोई भी प्रचार वैसा ही दिखाया जाता है कि आप उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, आप उसके तरफ चले जाओ, उसमें जाकर मिल जाओ, वो आपको सम्मोहित कर लेता है। पिज्जा देखते हो तो पिज्जा खाने का मन करता है, गलत चीज देखते हो तो गलत चीज आपको देखने का मन करता है। देखते हो कि कोई फिल्म में कोई लड़का लड़की प्यार कर रहे हैं तो आपको भी मन करता है कि प्यार करें, भले ही आप किसी भी उम्र के हो, 10 साल, 5 साल, 2 साल, 2 साल नहीं, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 9 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 20 साल, उसके बाद से तो प्यार की भूत उतर जाती है, लेकिन जिसको शरीर की भूख रहती है उसका भूत कभी नहीं उतरता है। अतः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है, जो हमारा संसाधन है उसका हम बहुत ज्यादा अपमान कर रहे हैं,
अपव्यय मतलब अपमान हो रहा है सबसे ज्यादा, हमें रोकना ही पड़ेगा। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, बॉडी बनाना है तो चिप्स खाकर कुछ नहीं मिलेगा। न बहुविज्ञापित शीतल पेय थे, सॉरी न बहुविज्ञापित शीतल पियो से, और ना ही आप प्रचार में देखते हो कि कोल्ड ड्रिंक पीने को मिल रहा है, शीतल जल मिल रहा है, उससे आपकी जिंदगी आपकी बॉडी नहीं बनने वाली है। भले ही वह अंतरराष्ट्रीय हो कोई बात नहीं, पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक क्यों ना हो, वे कूड़ा खाद हैं, मतलब वो बेकार हैं, कचरे का अड्डा है। बर्गर और पिज्जा कभी नहीं खाने का, कभी कभी खा लेने का, क्योंकि हम भी खाते हैं इसलिए मना नहीं कर सकते हैं। पिज्जा हम नहीं खाते हैं, हम मना कर सकते हैं। बर्गर साल में एक बार खाते हैं, आप भी एक बार खा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। कितना भी टेस्ट मारो तो एक बार मार लो, काम खत्म। आगे देखो, समाज में वर्ग की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है, समाज में जो हमारे संस्कृति है, जो हमारा पहले का है, उसमें कमी आ रही है, सब चीज बदला जा रहा है, नया आ रहा है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है, और जो ये अंतर बढ़ रहा है जीवन स्तर में, आक्रोश गुस्सा और शांति झगड़ा झंझट बढ़ा रहा है, इसमें उसको जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। जैसे जैसे यह सामाजिक दृष्टि बढ़ेगी, वैसे वैसे अशांति भी फैलने वाला है। हमारी संस्कृति अस्मिता का हरास हो रही है। देखो, हमारी संस्कृति पर लोग हंसने लगते हैं। आज अपनी संस्कृति का कोई भी काम कर दो, लोग हंसना चालू कर देंगे। आज रंगोली आप बना दो तो लोग हंसना चालू कर देंगे। किसी भी दिवाली के दिन तिरंगा बना दो, लोग हंसना चालू कर देंगे। लेकिन आप अंग्रेजों का रंगोली बना दो, बहुत अच्छा है बेबी, बहुत अच्छा है। हम लक्ष्य से भ्रमित हो रहे हैं, भ्रम से पिछड़ रहे हैं, अपने मार्ग से हट रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, मतलब हम अपने रास्ते अपने मंजिल के लक्ष्य से भी भटक रहे हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हटा रहे हैं, और विकास के जो विराट उद्देश्य है ये हमें पीछे हटा रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जिंदगी में हम बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत कोशिश करें। हम झूठी तुष्टि के तत्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। हम झूठी बातों का, झूठे संसार का बहुत तेजी से पीछा कर रहे हैं, तत्कालिक पीछा कर रहे हैं कि नहीं हमें वही चाहिए, मतलब हम झूठ का पीछा कर रहे हैं, झूठ को पाने के लिए। मर्यादा दाएं टूट रही है, मर्यादा तो अलग ही टूट गई है। मर्यादा देख लो, आज हर किसी की मर्यादा होती है, क्या लड़का क्या लड़की, क्या बुढ़ा क्या बुढ़ी, क्या जवान क्या जवानी, हर किसी की मर्यादा होती है। लेकिन लड़कियों को देख लो, पूरा कपड़ा फटी पहन रही है, छोटी कपड़े पहन रही है, और बोलती है दिस इज माई च्वाइस, दिस इज योर नॉट च्वाइस, दिस इज योर इडियट च्वाइस, दिस इज द मीनिंग ऑफ योर सेंस। ये नहीं बोलना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं सुनना चाहते हैं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हर किसी का मर्यादा है, उसके अंदर चलो ना। हम आज भी अपने मर्यादा को भूले नहीं है, प्लेन पैंट पहनते हैं, शॉर्ट पहनते हैं, कभी कभी कुर्ता पहनते हैं, धोती भी पहन लेते हैं, क्योंकि हमारे समाज का धोती है, लुंगी भी है, लुंगी नहीं पहनते हैं, धोती पहनते हैं बस। नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, जिसमें देख लो हमारी संस्कृति ढीला पड़ रही है। हम संस्कृति के तौर पर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। व्यक्ति केंद्रिता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। स्वार्थ क्या हो रहा है, जीवन किस पर प्रभावित हो रहा है, हमारा जो स्वार्थ है, हमारा जो चाह है, किस पर प्रभावित हो रहा है, लालच पर प्रभावित हो रहा है। तो उस पर हावी मत होने दो, अपने स्वार्थ को अपने जीवन पर हावी मत होने दो। भोग की आकांक्षाएं असामान्यता को छू रही है, भोग की जो क्षमता है आपके असमता को छू रही है, बोल रही है कि नहीं अपना क्षमता छोड़ो, मेरा इस्तेमाल करो। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौर, ये नहीं बताया जा सकता है। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वास्थ्य संस्कृति मतलब अच्छा स्वास्थ्य संस्कृति प्रभावों के लिए अपने खिड़की और दरवाजे खुले रखें, मतलब अच्छा स्वास्थ्य संस्कृति प्रभाव चाहिए तो अपना खिड़की और दरवाजा खुले रखो। हवा आए हवा जाए, हवा आए हवा जाए, लेकिन आज तो लोग एसी में रहते हैं, एसी में रहते हैं तो बीमारी अलग से, रात भर करोड़ों करोड़ों कार्बन लेते हैं, मोटे होते हैं, हार्ट की बीमारी होता है, मरे जाते हैं, जल्दी मरते हैं। जो लोग आज भी पेड़ के नीचे सोते हैं वो आज भी जिंदा रहते हैं,
ये बोला जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? पीपल के पेड़ के नीचे सोते हो तो ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाएगा, ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाएगा तो आदमी का फेफड़ा उफड़ा सब गल जाता है, इसलिए रात में पीपल के पेड़ के नीचे मत सोना कभी। अपनी बुनियाद पर कायम रहें, जो आप एक बार ठान लो कि हमें ये चाहिए तो चाहिए, इस पर आप एक बार कायम हो गए तो आपको पीछा हटा देना नामुमकिन है भैया। उपयोगकर्ता संस्कृति हमारी सामाजिक, सॉरी उपभोक्ता संस्कृति जो हम अभी कर रहे हैं इस्तेमाल करने का, तो उपभोक्ता संस्कृति नींव को ही हिला रही है। जो हमारी संस्कृति नया चल रही है वो सामाजिक नींव को हिला रही है, जो हमारा परंपरागत रीति रिवाज सदियों से करते आ रहे हैं उसको हिलाया जा रहा है। यह एक बड़ा खतरा है भौतिक के लिए, भविष्य के लिए, यह बड़ा खतरा है हमारे संस्कृति के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे समाज के लिए, यह भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर हम नहीं सुधरे तो भविष्य अपना बिगाड़ रखेंगे। सुधरना है, भविष्य बिगाड़ना है तो करो, और भविष्य को सुधारना है तो इस चुनौती को स्वीकार करो और दुनिया से टट पड़ो कि हम जमाने से विपरीत चलेंगे, जमाने से अलग चलेंगे। सब लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, हम नौकरी के पीछे नहीं भागेंगे। सब लोग छोकरी के पीछे भाग रहे हैं, हम छोकरी के पीछे नहीं भागेंगे। सब लोग छोकरे के पीछे भाग रहे हैं, हम छोकरे के पीछे नहीं भागेंगे। अब देखते हैं, आपको प्रश्न अभ्यास समझा देता हूं। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या पर्याय अभिप्राय है? आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? ठीक है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती को क्यों कहा है? 4 नंबर, आशय स्पष्ट कीजिए। जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। आप उत्पाद को समर्पित हो रहे हैं, उत्पाद को आप समर्पित होते जा रहे हैं, उसके बारे में आप स्पष्टीकरण दीजिए। प्रतिष्ठा के अनेक रूप हैं, चाहे वह हास्यास्पद ही क्यों ना हो, हंसने लायक ही क्यों ना हो, लेकिन प्रतिष्ठा तो है प्रतिष्ठा भैया। रचना और अभिव्यक्ति, इसको आपको खुद से करना है। भाषा अध्ययन, इसकी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत काम ही नहीं आता है ना जीवन में। पाठ्येत सक्रिया है, इसका भी कोई काम नहीं आता है, केवल ये आपको शब्दार्थ है, शब्द संपदा इसको बोलते हैं, शब्दार्थ, इसको आप जरूर पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये दोनों आपके पास बुक है, आप बुक में आप इसको जरूर पढ़ना। यहाँ पर आपका यह पाठ खत्म होता है। अगले पाठ में हम देखेंगे जाबिर हुसैन जो लिखते हैं सांवले सपनों की यादें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले अध्याय में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको सलाह देना हो तो आप जरूर देंगे, जो भी फीडबैक देना चाहते हैं आप जरूर दें, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।